खुद मकड़ी या जंपिंग स्पाइडर। ये मकड़ी मकड़ियों के सॉल्टी सीड़े परिवार से संबंधित है। मकड़ियों का परिवार उनकी आंखों की आयोजन से पहचाना जा सकता है। इन मकड़ियों की नज़र बहुत अच्छी होती है। इन मकड़ियों को कुद मकड़ी या जंपिंग स्पाइडर इनकी कूदने के व्यवहार की वजह से बोला जाता है। पर ये कूद कैसे पाते हैं? उनके पैरों की मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, पर इसके अलावा वो खून पूरे दबाव के साथ पैरों में पहुंचाते हैं, जो उनको कूदने में मदद करता है। ये मकड़ी जाला नहीं बुनती, पर कूदते वक्त या शिकार करते वक्त ये एक रेशमी जाले का उपयोग करते हैं। ये मकड़ियाँ क्या खाते हैं? जो भी कीट ये पकड़ सके उनको ये अपना भोजन बना लेती है। यहाँ तक कि दूसरे मकड़ियों को भी ये शिकार बना लेती है। ये या सारे किस्म की मकड़ियाँ उपयोगी है जिन्हें गैलरी में बगीचा रखना पसंद है। ये वो कीट खाते हैं जो आपके बगीचे को नुकसान पहुँचाते हैं। मकड़ियों में नर मादा से छोटे होते हैं। कभी कभी ये मकड़ियाँ खुद के ही प्रजातियों को शिकार बना लेती है। ज़्यादातर मादाएँ नर का शिकार बना लेती है, पर बहुत कम बार देखा गया है कि नर भी मादाओं का शिकार करते हैं। कुछ सॉल्टी सीड़े परिवार की जाति चींटियों की नकल करती है और उन्हें कहा जाता है एंट मिमिकिंग स्पाइडर, और उनके वंश को कहा जाता है ममरैकनी। नकल करना उनको दूसरे शिकारियों से बचाए रखता है और वे कभी कभी दूसरे चींटियों का भी अपना शिकार बना लेते हैं। दुनिया में कुद मकड़ियों की बहुत सी प्रजातियां मिलती है, कुछ बहुत रंगों में, कुछ दूसरों की नकल करती हुई और बहुत सी। ये सारे जीव जो धरती पे है उनका कुछ महत्व होता है, तो उनका आदर करो और आदर करो उस प्रकृति का जिसने इसका निर्माण किया है। देखने के लिए शुक्रिया।